जितनी भी अभी ये जो पिक है ठीक है इस पिक में आप जो इस देख रहे हो ना ये सारा का सारा जो सामान है ये जितने भी मतलब रैपर्स हैं ये सारे चूहे ने गाड़ी के एसी के जो फैन है ना फैन में रखे हुए थे लेकिन वो जो चूहा है वो गाड़ी के एसी के फैन तक घुस गया था और ये तो जब भी आप अपनी गाड़ी को कहीं पार्किंग में खड़ी करते हो तो ये जो नॉब है ना इसको राइट साइड पे मत छोड़ना जब आप राइट साइड पे छोड़ते हो ना तो सामने से जो गाड़ी के फ्लैप्स हैं वो फ्लैप्स खुल जाते हैं और वहां से जो रोडेंट्स हैं चूहे हैं वो अंदर घुस जाते हैं हेलो तो... दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जब भी आप कोई गाड़ी ओन करते हो तो काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है ठीक है गाड़ी की मेंटेनेंस का और हर मेंटेनेंस तो एक होती है सर्विसिंग वगैरह एक मेंटेनेंस होती है कि आप अलग से कितना ध्यान कितना ज़्यादा ध्यान अपनी गाड़ी का रख रहे हो तो भाई मेरे साथ हुआ है कुछ अलग ठीक है अब वो अलग क्या हुआ है भाई मेरी गाड़ी के अंदर घुस गया था चूहा और काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि क्या हुआ था आप लोग आपने बताया नहीं ठीक है जब आपने ए के अंदर आपके चूहा घुस गया था आपने सर्विस करवा मतलब सर्विस सेंटर जा करके आपने वो चीज़ ठीक करवाई तो कितनी कॉस्टिंग आपको पड़ी थी तो हुआ क्या था अब आप मैं आपको सारी स्टोरी सुनाता हूँ ठीक है अब आप ये पिक्स देखिए पहले जो ये पिक्स हैं ठीक है इन पिक्स में आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे जो है गाड़ी खोला है ठीक है गाड़ी का सेंटर कंसोल खोला है और क्या जो ये जो आप गंद देख रहे हो ना ये सारा जो गंद है ये चूहे ने गाड़ी के एसी में घुसाया हुआ था तो अब पूरी की पूरी स्टोरी क्या है स्टोरी ये थी कि स्टार्टिंग में जब हमने ये गाड़ी ली थी तो ये कार खड़ी रहती मतलब ऐसा नहीं है कि खड़ी रहती थी लेकिन जहां पे हम इसको खड़ी करते थे वहां पे काफी ज्यादा चूहे थे तो क्या होता था कि गाड़ी के चूहे के मतलब जो चूहा है ना चूहा गाड़ी के एसी के अंदर घुस गया अब हमें ये नहीं पता लगा कि चूहा कैसे घुसा लेकिन वो जो चूहा है वो गाड़ी के एसी के फैन तक घुस गया था और ये जितनी भी अभी ये जो पिक है ठीक है इस पिक में आप जो इस देख रहे हो ना ये सारा का सारा जो सामान है ये जितने भी मतलब रैपर्स हैं ये सारे चूहे ने गाड़ी के ए के जो फैन है ना फैन में रखे हुए थे तो इससे हुआ क्या था अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी प्रॉब्लम इससे ये आ रही थी कि जैसे हम गाड़ी के जो गाड़ी का जो एसी ऑन करते थे ना तो वो सिर्फ वन की स्पीड में ऑन करते थे ना तो गाड़ी के डैशबोर्ड से बहुत तगड़ी वाइब्रेशंस और बहुत ज़्यादा नॉइज़ आना शुरू हो जाती थी और वो नॉइज़ थी ये रैपर्स के कारण क्योंकि गाड़ी के ए में ये रैपर्स फंसे हुए थे तो अब हमें दिक्कत सबसे ज्यादा क्या आई कि रेनो का सर्विस स्टेशन बहुत दूर था और कोई भी uh, मैकेनिक इस गाड़ी को हाथ नहीं डाल रहा था क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था इवन जब हम रेनो के सर्विस स्टेशन पहुंचे उनको भी पहले पता नहीं चला कि ये रैपर्स हैं कहाँ पे ठीक है ये हुआ मतलब उनको पता चल गया था कि चूहा अंदर घुसा है और सामान अंदर मतलब चूहे अपना सामान वगैरह अंदर घुसा रखा है लेकिन उनको यही नहीं पता था कि ये खोलना कहाँ से है तो पहले उन्होंने जो कार का सेंटर कंसोल है ये पूरा का पूरा खोला उनको कुछ नहीं पता चला उन्होंने एक गाड़ी का डैशबोर्ड खोला लेफ्ट हैंड साइड से इवन मतलब आप पे एयर बैग वगैरह भी होता है उन्होंने एक गाड़ी का लेफ्ट साइड से पूरा डैशबोर्ड खोला ग्लव बॉक्स बाहर निकाले उनको कुछ नहीं पता चला देन लास्ट में जाकर के उन्होंने अपने कोई सुपरवाइजर बोला उन्होंने कहा कि गाड़ी का क्लच खोलो गाड़ी के क्लच के ऊपर एसी की मोटर फिट है उन्होंने बस वो क्लच खोला और ऊपर मोटर निकाली और जैसी उन्होंने मोटर निकाले ना और मोटर के अंदर ये सारा सामान था जो भी आप पिक जो भी आप पिक्स में देख चुके हो तो भाई अब चीज़ ये है कि जब भी अपनी गाड़ी आप यूज करते हो ना तो मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आपको लगता है कि आपके जहां पे पार्किंग है वहां पे चूहे ज्यादा हैं तो रोज अपनी डेली अपनी गाड़ी की जो पोजीशन है पोजीशन चेंज करते रहो अब एक और एक और चीज़ ये है कि चूहा घुसा कैसे और मतलब ये चीज़ क्यों हुई तो उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि चूहा घुसा कैसे है तो अब आप यहाँ पे देखो कि चूहा घुसा कैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं एयर सर्कुलेशन के एक कि हवा पीछे से आए और पीछे से मतलब जो सर्कुलेशन है गाड़ी के अंदर होती रहे और जो दूसरा है दूसरा ये कि मतलब फ्रेश एयर आए ठीक है तो जब भी आप अपनी गाड़ी को कहीं पार्किंग में खड़ी करते हो तो ये जो नॉब है ना इसको राइट साइड पे मत छोड़ना जब आप राइट साइड पे छोड़ते हो ना तो सामने से जो गाड़ी के फ्लैप्स हैं वो फ्लैप्स खुल जाते हैं और वहाँ से जो रोडेंट्स हैं चूहे हैं वो अंदर घुस जाते हैं तो अगर अब मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको ए से भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए ना तो हमेशा अपना जो ये है नॉब है इसको लेफ्ट साइड पर रखें ठीक है कि जो अंदर की ठंडी हवा है, वो अंदर ही सर्कुलेट होती रहे लेकिन अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो चलती गाड़ी में इसको यहां पे कर लो लेकिन जब आप गाड़ी पार्क करते हो तो इसको इस पोजिशन में कभी भी ना छोड़ें कभी भी ना छोड़ें हमेशा इस नॉब को लेफ्ट पे करें तो यही रीजन था कि जो चूहा है चूहा गाड़ी के अंदर घुस गया सिर्फ और सिर्फ इस चीज के कारण और तब से लेके आज तक मैंने जो है इस नॉब को कभी भी राइट साइड पे नहीं रखा है तो अगर आपकी आपकी कार में भी ये चीज है ना तो मैं तो यही रिकमेंड आपको करूँगा कि इसको जो नॉब है हमेशा इसको लेफ्ट साइड पे रखें तो अब बात करते हैं कि जब उन्होंने सारे डैशबोर्ड वगैरह ठीक है जब उन्होंने ये चीज ठीक कर दी उन्होंने कॉस्टिंग कितनी रखी मतलब इस चीज़ को ठीक करने की क्या लेबर कॉस्ट उन्होंने डाली तो लेबर कॉस्ट उन्होंने क्या डाली मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि बहुत क्योंकि जब ये चीज़ें खुलती है ना गाड़ी का डैशबोर्ड सेंटर कंसोल वगैरह तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है इवन एक डस्टर है ठीक है मेरी फैमिली में वो डस्टर भी खुली थी और उनकी कॉस्टिंग आई थी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड रुपीज़ सिर्फ डैशबोर्ड खोलने की तो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी लेकिन नहीं कॉस्टिंग इतनी नहीं आई सिर्फ फाइव हंड्रेड रुपीज़ उन्होंने लेबर कॉस्ट डाली एक्स्ट्रा सिर्फ फाइव हंड्रेड रुपीज़ और उन्होंने ये ठीक करके दे दी तो फिलहाल इस वीडियो से हम लोगों को आप लोगों को क्या सीख मिलती है कि चूहों से से रोडेंट अपनी कार को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और रेनो ड्राइवर एक ऐसी गाड़ी है जिसमें काफी ज्यादा कंप्लेन आई है चूहों की बहुत ज्यादा इवन यूट्यूब पे भी और सर्विस सेंटर के पास भी रेनो ड्राइवर में बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आई है ठीक है उनके ओनर्स के थ्रू के जो चूहे हैं चूहे इस गाड़ी में बहुत जल्दी घुस जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपनी गाड़ी से गाड़ी को अगर चूहों से बचाना है तो क्या करना है तो फिलहाल अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती आपसे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है और इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के मैं दोबारा आप लोगों से जरूर मिलूंगा तो फिलहाल अभी के लिए अलविदा